हेलो एवरीवन, आई एम एस्पी दुबे और मैं आप लोगों को आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूँ। अब न्यूमेरिकल्स पढ़ने से पहले आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला जानना जरूरी होता है, तो अभी तक जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं एक बार थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर उन्हीं पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्या क्या पढ़े हैं देखिए, सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। रेजिस्टिविटी, जिसको कि रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। आर जो है रेजिस्टेंस है, ए एरिया है, और एल जो है उसका लेंथ है, लंबाई। कंडक्टेंस, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी इक्वल टू होता है वन बाई आर, वन बाई आर। आर जो है रेजिस्टेंस है, मीन्स रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। उसके बाद है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कप्पा इक्वल टू होता है वन बाई रो। जो रेजिस्टिविटी है उसी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। तो इसका फॉर्मूला कप्पा इक्वल टू एल बाई आर ए होता है, यानी कि वन बाई रो कर दीजिएगा तो देखिए रो का फॉर्मूला है आर ए बाई एल, वन बाई रो कीजिएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा एल बाई आर ए। मोलर कंडक्टिविटी, इसको ग्रीक लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई सी, और इसका यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर ये 1000 नीचे कर दीजिएगा तो हो जाएगा साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, जिसको कि लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई सी। लेकिन यहाँ पे जो C है, C और इस C में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये जो C है ये मोलरिटी है, और ये जो C है ये नॉर्मलिटी है। तो यहाँ पे मोलरिटी था तो हो गया पर मोल, अगर नॉर्मलिटी है तो हो जाएगा पर इक्विवेलेंट, पर इक्विवेलेंट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा इक्वल टू होता है ग्रीक लैम्डा सी बाई ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी या ग्रीक लैम्डा नॉट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर बाई वन माइनस अल्फा, पहले अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे फिर इसमें पुट कर लेंगे। एक और होता है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, इसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर होता है, या जी स्टार इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कप्पा बाई जी, आर का रेसिप्रोकल हो जाएगा जी। तो जी स्टार इक्वल टू कप्पा इंटू आर या जी स्टार इक्वल टू कप्पा बाई जी, इतने फॉर्मूला आपको याद रखने होंगे, और इन्हीं के आधार पे आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3.8 एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 एम केसीएल सॉल्यूशन, देखिएगा यहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एम मतलब मोलरिटी होता है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 एम केसीएल सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर होता है, ई 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ए कॉन्सेंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 0.20 एम। और कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज गिवन इतना 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज ना हो, कंडक्टिविटी वहां है और वैल्यू यहाँ है, बीच में इतना सारा चीज दिया हुआ है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कंडक्टिविटी है कि क्या दिया गया है। तो आप कंडक्टिविटी कैसे पहचानेंगे, तो ये यूनिट देखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। तो अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम भी हो तो आप सिर्फ ये वैल्यू देके पहचान लेंगे कि ये कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी को कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपको खोजना है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में कौन सा वैल्यू है, तो ये वैल्यू है, इसका वैल्यू है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है, मींस ग्रीक लैम्डा एम फाइंड करना है, ग्रीक लैम्डा एम इक्वल टू 1।
अब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में अगर कप्पा का वैल्यू हो तो ग्रीक लैम्डा एन का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 बाई सी, कप्पा इंटू 1000 बाई सी। कप्पा का वैल्यू रख दीजिए 0.0248, 1000 का वैल्यू 1000 ही होगा और सी का वैल्यू 0.20 पुट कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे ऊपर में देखिए 1 2 3 4 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, तो 2 डिजिट बटा बचा तो यहाँ पे 2 2 0 हो जाएगा। देखिए 4 डिजिट के पहले है, यहाँ 2 डिजिट के पहले है, तो 2 डिजिट बचा ऊपर में, इसलिए 2 0 हो गया नीचे। ये पॉइंट अपने से आप हटा के देख लीजिएगा कितना 0 होना चाहिए। अब 0 लिखिए 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड करना है, 2 से 248 में डिवाइड कर दीजिए, आसानी से आंसर आ गया 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स का यूनिट होता है। इसी तरह से क्वेश्चन है 3.9, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 3.9 में क्या है कि कंडक्टिविटी दिया है, क्वेश्चन आप देखिएगा लैंग्वेज बहुत बड़ा है, बुक से देख लीजिएगा क्वेश्चन, लैंग्वेज उतना लिखने का जरूरत नहीं है, जो मेन हम लोग को जरूरत है वो देखते हैं। तो आप उसमें देखिएगा फाइंड करना है सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार फाइंड करना है, और जी स्टार का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जी स्टार इक्वल टू होता है कप्पा इंटू आर। हम लोग को चाहिए कप्पा और आर, देखेंगे क्वेश्चन में कप्पा और आर दिया है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में जो रहेगा वो कप्पा होगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू है 0.0146 इंटू 10 to the power -3, ये साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू गिवन है। इसके अलावा आर चाहिए तो आर का यूनिट ओम होता है और ओम में एक ही वैल्यू है क्वेश्चन में 1500 ओम। अब बताइए कप्पा और आर चाहिए वो दिया ही हुआ है, तो पूरा क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है, कप्पा दिया हुआ है आर दिया हुआ है, वैल्यू पुट कीजिए, कप्पा हो गया 0.146 इंटू 10 to the power 3 इंटू 1500। ओम और साइमन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट कैसे होता है सेंटीमीटर इनवर्स, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो वैल्यू लिख दीजिएगा, ऐसे आएगा 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से क्वेश्चन है 3.11 क्वेश्चन में भी आप देखिएगा इसी तरह से कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3.11 में कप्पा गिवन है, कप्पा दिया हुआ है 7.896 इंटू 10 to the power -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बस आप ये ध्यान रखिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में दिया है तो कप्पा, उसके अलावा एम में अगर दिया है तो समझ लीजिए वो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन एम में दिया हुआ है 0.0024 वाट एम, ये कॉन्सेंट्रेशन है। और इसके अलावा इसमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड करने के लिए आपको पहले अल्फा निकालना होगा, और अल्फा होता है ग्रीक लैम्डा सी बाय ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी या ग्रीक लैम्डा नॉट, मोलर लगा सकते हैं इसमें। सबसे पहले आपको अल्फा फाइंड करना होगा, अल्फा फाइंड करने के लिए हमको चाहिए ग्रीक लैम्डा सी बाय ग्रीक लैम्डा नॉट, ग्रीक लैम्डा नॉट गिवन है, ग्रीक लैम्डा सी निकाल लेते हैं, ग्रीक लैम्डा सी मींस मोलर कंडक्टिविटी जो अभी निकाले थे ये जो देख रहे हैं एट सी कॉन्सेंट्रेशन, इस फॉर्मूला से हम निकाल लेते हैं ग्रीक लैम्डा सी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई सी होता है। देखिए कप्पा गिवन है 7.896 इंटू 10 to the power -5 इंटू 1000 बाई सी है 0.0024
00241। देखिए सी कप्पा यहां से ले लिए 1000 है ये फॉर्मूला में, और सी यहां से ले लिए 0.00241। इसका यूनिट हो जाता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आएगा 32.76 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ग्रीक लैम्डा सी भी मिल गया, ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी गिवन है तो इसका वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। ग्रीक लैम्डा सी का वैल्यू है 32.76 और ग्रीक लैम्डा एम का वैल्यू है 390.5। दोनों का यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा वैल्यू आपका 0.084। डिवाइड करेंगे तो इतना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, मींस के निकालना है, और के इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये देखिए आपको राउस लाना बताया हुआ है ये दोनों फॉर्मूला। तो सी अल्फा स्क्वायर सी का वैल्यू गिवन है सी 0.00241, अल्फा का वैल्यू है 0.084 इसका स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा का वैल्यू फिर से है 0.084। ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अपने से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आप फाइनल वैल्यू देखिएगा तो आ जाएगा 1.86 × 10⁻⁵ इतना एम में आ जाएगा आपका के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। यही फाइंड करना था तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का ये न्यूमेरिकल हो गया। एक और हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कोलराउस लॉ के आधार पे, एनसीईआरटी के एग्जांपल का न्यूमेरिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको कोलराउस लॉ समझने में भी हेल्प मिलेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए फिर वो न्यूमेरिकल बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रीक लैम्डा नॉट या ग्रीक लैम्डा इंफिनिटी मींस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NH4Cl NaOH एंड NaClr 129.8 248.1 एंड 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स रेस्पेक्टिवली। मीन्स NH4Cl के लिए है 129.8, NaOH के लिए है 248.1 और NaCl के लिए है 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, NH4OH का आपको फाइंड करना है। अब जिस तरह से क्वेश्चन दिया है उस तरह से लिखेंगे तो आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा। आप उसको तोड़ लीजिए जो अपने आयन में टूटता है। आपको याद होगा NH4Cl ब्रेक करके देता है NH4+ और Cl माइनस। ये अब आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे चल के सोचना होगा, यहाँ पे तोड़ तोड़ के बनाएंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो ये आपको मन में तोड़ लेना होगा कि NH4Cl मतलब NH4+ और Cl माइनस, NaOH मतलब Na+ और OH माइनस, NaCl मतलब Na+ और Cl- और NH4OH मतलब NH4+ और OH-। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl दिया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl का मतलब ही हो गया आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ NH4+ एंड आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। देखिए
NH4Cl ब्रेक करके देता है NH4 प्लस और Cl माइनस। तो अगर NH4Cl का दिया है यानी NH4 प्लस और Cl माइनस, इन दोनों का जोड़ेंगे तो वो NH4Cl का हो जाएगा। कोलराउस का नियम यही कहता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स कंपोनेंट आयंस एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। तो NH4Cl का जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो NH4 प्लस और Cl माइनस के मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगा। तो ये जो NH4Cl का मोलर कंडक्टिविटी क्वेश्चन में गिवन है 129.8, वो इसका वैल्यू है। इतना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, और सेम पैटर्न पे बाकी का भी देखिए। NaOH का गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH गिवन है, मतलब किसका है, Na प्लस का और OH माइनस का। NaOH का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, मतलब Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी और OH माइनस का मोलर कंडक्टिविटी का सम है, वो कितना है 248.1 साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड, फिर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl गिवन है, ये हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस का मोलर कंडक्टिविटी और Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी दोनों को ऐड करेंगे तो NaCl का मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, और ये गिवन है 126.4 साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और आपको फाइंड क्या करना है, NH4OH का, NH4OH का मोलर कंडक्टिविटी आपको फाइंड करना है, मींस आपको फाइंड करना है NH4 प्लस एंड OH माइनस के मोलर कंडक्टिविटी का सम फाइंड करना है। देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इतना क्वेश्चन है, ये तीनों वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू फाइंड करना है, तो इन तीनों को इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मान लीजिए। अब आप दिमाग लगाइए कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन को कैसे ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे कि इक्वेशन 4 आ जाए, ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, पहले यहां पर दिमाग लगाइए, NH4 प्लस कहां पे है, इक्वेशन फर्स्ट में है, और क्या चाहिए OH माइनस, ये कहां पे है, इक्वेशन सेकंड में है, यानी फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए और उसमें से थर्ड को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए और उसमें से थर्ड को घटा दीजिए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस थर्ड करके देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा काम करेंगे। फर्स्ट का वैल्यू देखिए तो लैम्डा NH4 प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस, प्लस सेकेंड कीजिए लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस, माइनस करना है थर्ड, देखिए फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिए, माइनस थर्ड, थर्ड है इसको माइनस में लिख देंगे, Na प्लस और फिर है माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, Cl माइनस, फर्स्ट प्लस सेकेंड माइनस थर्ड। अब वैल्यू में वही कीजिए, फर्स्ट है 129.8 प्लस, सेकेंड है 248.1 और माइनस थर्ड, तो माइनस हो जाएगा 126.4 साइन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब ये देखिएगा प्लस Cl माइनस और माइनस Cl माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस Na प्लस और माइनस Na प्लस कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर ही देते हैं, तो बचा क्या NH4 प्लस, NH4 प्लस और OH माइनस का बच गया लैम्डा
NH4 प्लस प्लस लैम्डा OH माइनस। देखिए यही ना फाइंड करना था आपको, वही बच गया। आप वैल्यू जो है वहां पे ऐड करके सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आ जाएगा, 251.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर इसी तरह से कोई और क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह से तीन कंपाउंड का गिवन रहेगा और चौथे कंपाउंड का निकालना होगा, तो सेम पैटर्न पे आप बनाइएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में ढेर सारा मिल जाएगा, आप उसको सोल्व कीजिएगा। कोलराउस लॉ में जो मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने का प्रोसेस है उसका मेन यूज यही है। देख लीजिए किस तरह से तीन सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ था, तो चौथे सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी हम लोग फाइंड कर लिए। ये कोलराउस लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा।